मैं नीरज गोयत यमुनानगर हरियाणा से और इंडियन प्रोफेशनल बॉक्सर, और लगभग मुझे 10 साल हो गए हैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग करते हुए। और ये सफ़र है चाइना से लेके यूएसए कनाडा तक की फ़ाइट्स का, मेक्सिको में ब्रूटल बॉक्सर से खेलने का, और मैं 3 बार WBC एशिया चैम्पियन भी रहा हूँ। बॉक्सर बनने का कब सोचा? ये बॉक्सिंग का कीड़ा कहाँ से आया? घर पे बॉक्सर थे? नहीं भाई, मेरे पूरे घर में, मेरे पूरे खानदान में कोई स्पोर्ट्स पर्सन ही नहीं है। बॉक्सर तो बहुत दूर की बात है, और अब तक भी कोई नहीं है। मेरे से पहले भी कोई नहीं था, और मेरे बाद में भी कोई नहीं है। तो मैं पहला ही स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। और बॉक्सिंग का बस यही था कि जब मतलब गांव में थे तो सब दूसरे ताऊ चाचा के लड़के खेल रहे होते थे, तो मेरी बारी नहीं आती थी। कभी क्रिकेट ही खेलते ज़्यादातर, तो क्योंकि मैं सबसे छोटा था तो वहाँ से सफ़र शुरू होता है। और जब स्कूल में जाता था तो स्कूल में प्रेयर में मैडम सबसे आगे खड़ी कर देती थी। कुछ भी काम हो जाए, लाइन बनानी है तो छोटी हाइट के हिसाब से वो बनती थी। तो वहाँ से एक कीड़ा था कि ये आगे नहीं खड़ा होना है, पीछे खड़ा होना है सबसे। तो मैं तगड़ा कब होऊंगा? जब स्पोर्ट्स पर्सन बनूंगा। तो जब स्पोर्ट्स पर्सन के बारी आई है, एथलेटिक्स शुरू करता हूँ, रनिंग वगैरह ठीक होगी, फिर सोचता हूँ यार हाइट तो लंबी हो नहीं रही, फिर बास्केटबॉल खेलने लग जाता हूँ, और फिर सोचता हूँ इसमें भी किक नहीं मिल रही है ना आज तक, वो किक मतलब किक लेने के चक्कर में घूम रहा हूँ। तो फिर मेरे को लगा कि बॉक्सिंग करते हैं, क्लास में किसी से लड़ाई होगी उसको मार तो देंगे। फिर बॉक्सिंग शुरू कर दी। मतलब कुछ ये नहीं था कि मुझे कुछ इसमें बहुत बड़ा अचीव करना है। 2006 में मैं बॉय स्पोर्ट्स कंपनी होती है, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की बॉय स्पोर्ट्स कंपनी में मैं भर्ती हो गया था। उसके बाद 2010 में मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली थी, और आर्टिलरी सेंटर हैदराबाद में, तो उसमें मैंने ज्वाइन कर लिया था। और 2013 में मैंने आर्मी छोड़ दी थी, बिकॉज मेरे गोल्स थे कि मुझे प्रोफेशनल बॉक्सिंग करनी है, और अगर मैं आर्मी में रहता तो शायद मैं अमेचर ही कर रहा होता अब तक, या छोड़ के कोच भी बन गया होता। तो इसलिए टारगेट, मैंने बोला ना किक नहीं मिल रही थी कभी भी, तो चेंज करते करते चीज़ें चेंज होती रही। तो आर्मी को मैं सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि आर्मी आज जो आप लोगों के सामने बैठा हूँ तो आर्मी की वजह से है, बॉक्सिंग की वजह से है। और आर्मी ने मुझे डिसिप्लिन सिखाया, और उसी डिसिप्लिन की वजह से बॉक्सिंग आज तक मैं कंटिन्यू कर पा रहा हूँ। तो एज अ बॉक्सर, क्या आप अपना एक रूटीन हमें बता सकते हैं, हमारे दर्शकों को, कि आपका रूटीन क्या रहता है ट्रेनिंग का? मतलब ट्रेनिंग के अलग अलग शेड्यूल होते हैं। लाइक अभी मेरी कोई फाइट नहीं है तो मेरा ऑफ सीज़न है, बट ऑफ सीज़न में मुझे फिट तो रहना पड़ेगा। तो अगर मेरा ट्रेनिंग कैंप है कोई और फाइट की मैं तैयारी कर रहा हूँ, उससे 6 वीक या 8 वीक पहले मैं यहाँ से मूव हो जाऊँगा, और मेरे बेस्ट जगह जो बताई आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, या अगर फाइट US में है तो वहाँ चला जाऊँगा। वहाँ एक ट्रेनिंग कैंप चलेगा, वहाँ पर पूरा शेड्यूल अलग होगा, वहाँ पर स्पायरिंग्स ज़्यादा होंगी और जो मेरी कमियाँ हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। और जब ऑफ सीज़न है तो मुझे फिट रहने के लिए मेरा कार्डियो, मेरी स्ट्रेंथ और मेरी बॉक्सिंग की स्किल्स, उनके ऊपर काम करता हूँ। तो मैं सुबह उठ के, हर रोज़ सुबह उठ के, जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, तो ये मेरा जिम है, मेरा खुद का पर्सनल जिम है, यहाँ पे कोई नहीं होता। सुबह गाने बजा के, जो गाने पसंद हैं उनमें मेरा टाइमर होता है, 15 राउंड होते हैं सुबह मेरे, एवरीडे के 15 राउंड होते हैं 3-3 मिनट के। और वैसे फाइट में मैं 10-10 मिनट, 3-3 मिनट के 10 राउंड ही करता हूँ। तो 15 राउंड में मेरा कार्डियो भी होती है, स्ट्रेंथ भी होती है, और बॉक्सिंग की भी चीज़ें होती हैं। तो अल्टरनेट डेज पे मेरा शेड्यूल चेंज होता रहता है ऑफ सीजन का। एक दिन मैं वेट ट्रेनिंग करूँगा, एक दिन मैं स्ट्रेंथ कार्डियो बॉक्सिंग मिक्स करूँगा, एक दिन मैं प्योरली बॉक्सिंग करूँगा। तो ये हफ्ते के 6 दिन ये काम चलता है। और जब ट्रेनिंग कैंप्स होंगे तो उनमें तो खाना पीना सोना उठना वो सब कुछ जो मेरा अपोनेंट है उसको लेकर ही तैयारी होगी। प्रोफेशनल बॉक्सिंग चल रही थी, अब इन सब के बीच में बॉलीवुड से आपका रिश्ता कैसे बन गया? 2015 या 16 में कोई मूवी बननी थी, तो उसके लिए मुझे फ़ोन आया कि उनको बॉक्सर्स लड़कियां चाहिए।
तो उस मूवी में मैंने बॉक्सिंग की लड़के, साउथ इंडियन मूवी थी, उसमें कुछ बॉक्सिंग की लड़कियां मेरी कंपनी की तरफ से चले गई थी। बट 2017 की बात है, जब हमने पहले भी इंटरव्यू किया था, तो मुक्काबाज के लिए मुझे विनीत भाई का फ़ोन आता है, विनीत कुमार सिंह का, और मैं बॉक्सिंग के ऊपर मूवी कर रहा हूँ, मैं पटियाला में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और मुझे भाई नीरज भाई आपके बारे में पता चला है कि हम कुछ करते हैं एक साथ में। मैंने बोला विनीत भाई मेरे लिए रिलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पैसा सेकेंडरी चीज़ है, प्राइमरी अपना रिलेशन, अगर हम मेरे को बात करके काफ़ी अच्छा लग रहा है तो हम इसको बहुत अच्छे से करेंगे। तो वहाँ से शुरुआत होती है, और विनीत भाई के साथ आज भी 17 से लेकर अब 23 हो गया, लगभग 7-8 साल हो गए उनके साथ, बिल्कुल बड़े भाई जैसा रिश्ता है। फिर विनीत भाई की मुक्काबाज में मैंने काम किया, मुक्काबाज के बाद विनीत भाई को ही कोई फ़ोन आता है तूफान फिल्म वालों की तरफ से, फरहान अख्तर की टीम की तरफ से, तो एक्सेल वाले मेरा नंबर लेते हैं, उनसे कोऑर्डिनेशन हो जाता है, तो उस फिल्म में चला जाता हूँ। उस फिल्म में जाने के बाद RRR फिल्म का कहीं से, तो मतलब अपने आप ही सब कुछ अपने चीज़ें होगी, तो रामचरण भाई है जो उनका एक ब्रदर है वरुण तेज, उसका मुझे फ़ोन आता है, उसने भी एक घनी मूवी की थी, उसमें भी मेरे बॉक्सर से काफ़ी चीज़ें गई थी, तो वरुण तेज का मुझे फ़ोन आता है कि रामचरण भाई को और राजामौली सर को कोई बॉक्सर चाहिए परफेक्ट, और मैंने बोला कि नीरज के साथ ही काम करें, तो वहाँ से RRR का काम बन गया। तो ऐसे चीज़ें जुड़ती रही है एक दूसरे के साथ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर हम सच्चाई से कोई चीज़ कर रहे हैं तो अपने आप ही मिलती चली जाएंगी, अच्छी चीज़ें अपने आप आती चली जाएंगी। ओके, अब वो सवाल जो हमें नोएडा से यहाँ हरियाणा खींच लाया, जेक पॉल। ये है जेक पॉल, मैं हूँ नीरज गोयल और मैं हूँ इंडिया का बेस्ट प्रोफेशनल बॉक्सर, और मैं जेक पॉल को चैलेंज करता हूँ एक बॉक्सिंग फाइट के लिए। यो यूट्यूबर घना बड़ा बॉक्सर बना अंडा, इन्ने अब तक एमएमए वाला गल्ला फाइट करी, असली बॉक्सर के ला मेरे के ला के लड़। मैं अभी थोड़े दिन पहले WBC की कन्वेंशन में गया था, माइक टाइसन वगैरह सब थे, तो संगम विज्ञानिक है, एक सिंगर है, उसके अभी एलविश यादव के साथ गाने भी आ रहे हैं, अपना छोटा भाई है, तो मैं संगम को बोलता हूँ ये सब फोटो जोड़ के यार गाना लगा देख कोई भी, और इसको रील पोस्ट करते हैं। वो बोलता है ऐसे थोड़ी करते हैं, मैं बताता हूँ सोशल मीडिया कैसे चलाते हैं। तो वहाँ से शुरू होता है, वो मेरी सोशल मीडिया देखना शुरू करता है संगम, और फिर संगम उस पर 5-6 रील्स डाल देता है, फिर मैं बोलता हूँ हमें आमिर खान की डालनी चाहिए, या मेरी एक वर्ल्ड चैम्पियन था केंजू, उसके साथ की फ़ाइट डालनी चाहिए, मैंने उसको हराया हुआ है, वर्ल्ड बॉक्सिंग में अच्छा नाम है, तो ये सब चीज़ें शुरू होती हैं। तो बोलता है कि भैया हम जेक पॉल को चैलेंज करें, मैंने बोला जेक पॉल को कर सकते हैं, पर वो तो मैंने बोला यूट्यूबर है, तो उसने बोला कि जेक पॉल, उसने मुझे बताया, मैंने जेक पॉल और लोगन पॉल के बारे में, लोगन पॉल उसका भाई अभी WWE कर रहा है, तो मुझे उन लोगों के बारे में पता था, उन लोगों ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग को मतलब दुनिया में UFC के बाद, UFC आने की वजह से प्रोफेशनल बॉक्सिंग एक बराबर स्तर पे आ गई थी, UFC के बराबर, MMA के बराबर आ गई थी, उन लोगों ने बॉक्सिंग को थोड़ा ऊपर उठाया, और वो यूट्यूबर भी हैं, और उसके बाद उन्होंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग शुरू कर दी। तो बोलता है कि उनको, उनके साथ हम कर सकते हैं फाइट का कुछ कर सकते हैं। मैंने उसको बोला कि संगम भाई तू देख ले, है ना, मेरे को तो नहीं लगता कि वो हम इंडियंस को अच्छा मानते होंगे, कि इंडियन में भी अच्छे बॉक्सर्स हैं, या उनको मेरे बारे में पता होगा कि नीरज गोयत भी कोई है, और अगर मैं चैलेंज करता हूँ वो लोग एक्सेप्ट करें उसको कि ना करें। वो एक्सेप्ट तब कर सकते हैं क्योंकि US में ज़्यादातर, मैं जितने भी लोग देख रहे हैं सबको बता दूं कि ज़्यादातर मैं ही इंडियन प्रोफेशनल बॉक्सर हूँ जिसके बारे में वर्ल्ड बॉक्सिंग में लोगों को पता है। मैंने संगम को ये बोला कि उन लोगों को पता होगा कि नहीं पता होगा, ये तो अपने को थोड़ी पता है। तो बोलता है फिर हम चैलेंज करते हैं ना, देखी जाएगी, तो हम उसको चैलेंज करते देते हैं। और अब वो लोग मुझे जानते थे, उधर से उन लोगों के कमेंट आने शुरू हो जाते हैं, 1-2-3 बैक टू बैक आते हैं, और फिर ये सिलसिला शुरू हो जाता है। और ये सब शुरू होने के बाद उनकी टीम से मुझे मैसेज आता है, और मैसेज आने के बाद अब उनके साथ कंटिन्यू कन्वर्सेशन चल रही है, और होप ये फ़ाइट होगी। और अगर ये फ़ाइट होती है तो जैसे मैंने बताया बात शुरू करने से पहले कि प्रोफेशनल इंडिया की प्रोफेशनल बॉक्सिंग बहुत नीचे थी, मैंने कोशिश की बहुत ऊपर लेके जाए, और अगर ये फ़ाइट हो जाती है तो इंडिया की प्रोफेशनल बॉक्सिंग को दुनिया के मैप में जानने लग जाएंगे, मतलब US, UK या मेक्सिको के बाद इंडिया का नाम आने लग जाएगा। और इसीलिए होप कि ये फाइट जल्दी हो, और जो लोग चाहते हैं, मैं जेक पॉल की टीम को यही कहूँगा कि लोग चाहते हैं कि वो फाइट इंडिया में हो, तो उस फाइट को इंडिया में कराए जाने की कोशिश की जाए। और उन लोगों को क्या कहेंगे जो डाउट कर रहे हैं आपके टैलेंट को, क्योंकि आपके पोस्ट पे बहुत सारे ट्रोलर भी आ जाते हैं और तमाम तरीके की बातें करते हैं। नहीं, वो तो अपने देश में बहुत अच्छी बात है,
है ना, कोई अच्छा काम करेगा उसको डुबाने के लिए नीचे वाले लोग भी आएंगे काफी। और आपको बता दूं, शायद ना पता हो कि ये सिर्फ इनमें सिर्फ जिनको बॉक्सिंग का नहीं पता वो लोग नहीं है, कुछ बॉक्सिंग के लोग भी हैं, बट उन लोगों को ये वो लोग इसलिए नहीं लिख रहे कि उनको मेरी स्किल्स पे डाउट है, वो लोग खुद पे डाउट कर रहे हैं कि ये यहाँ पे क्यों बैठा हुआ है, ये जेक पॉल को क्यों चैलेंज कर रहा है, हम इसकी जगह होने चाहिए थे। तो उनके लिए ही मैसेज है, भाई मेहनत करो, आप लोगों की बारी भी आएगी, सिंपल है। क्या लगता है नीरज भाई, क्या कमी है या कहाँ हम पीछे रह जा रहे हैं एज अ कम्युनिटी में भी और एडमिनिस्ट्रेशन में भी, कि और ज़्यादा नीरज गोयात निकल कर नहीं आ रहे हैं इंडिया से? नहीं, इंडिया के प्रोफेशनल बॉक्सर अच्छे हो सकते हैं, बट वो प्रोफेशनल बॉक्सर अच्छे बन सकते हैं जिन लोगों ने अमेचर में अच्छा किया, बिकॉज हम मैक्सिको से नहीं हैं जहाँ पे बेसिक बॉक्सिंग का ही प्रोफेशनल बॉक्सिंग है, लाइक उनको जो सिखा रहे हैं वो ब्रूटल पंचेस सिखा रहे हैं, इंडिया में वैसा नहीं है। हम लोग अगर प्रोफेशनल बॉक्सिंग के लायक बनते हैं जाके, तो जब हम अमेचर में अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाके या अच्छे अच्छे इवेंट्स में जाके खेल ना ले, तब तक हमें वो नॉलेज नहीं आती पंचेस खाने की या पंचेस मारने की। अब जो अच्छे बॉक्सर्स हैं, जो अच्छे अमेचर बॉक्सर्स हैं, उनको अलाउ नहीं किया जाता कि वो प्रोफेशनल बॉक्सिंग की तरफ से जाएं। तो ये सिर्फ अपने जो पॉलिटिक्स है अपने देश में, खेलों के अंदर जो पॉलिटिक्स है, जैसे अमेचर बॉक्सिंग के अंदर जो पॉलिटिक्स है, अमेचर बॉक्सिंग की जो फेडरेशन है उसको अलाउ करना चाहिए कि उनके बॉक्सर्स प्रोफेशनल बॉक्सिंग के प्लेटफॉर्म पे जाके खेलें। वो लोग उनको अप्रोच नहीं करते। आप लोगों को बता दूं कि एक एक वेट में 5-5, 6-6 बॉक्सर्स इंडिया टीम में होते हैं, लेकिन आप सबको सिर्फ नंबर वन ही दिखता है जो ओलंपिक्स में जाएगा, कॉमनवेल्थ या एशियन गेम्स में जाएगा, बट नंबर टू कहाँ है, नंबर थ्री कहाँ है, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, एक इंटरनेशनल अरीना में जाके खेल रहे हैं। तो जो नंबर टू और नंबर थ्री है उनको चांस देना चाहिए कि वो प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जाएं और वहाँ पे अपना अच्छा काम करें। तो अगर आप लोगों को ये इंटरव्यू पसंद आता है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो अनकट को, और भाई को भी राम राम। What?